प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, भविष्यवाणी का पूरा होना। जिस तरह लूका की पुस्तक अध्याय 22 के 36 से 37 आयत में लिखा है, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बिना पैसे और तैयारी के भेजा था, तो क्या तुम्हें कोई घटी हुई थी? तब चेलों ने कहा, नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो तुम्हारे पास है उसे बेच कर तलवार ले लो। पर अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि जब सैनिक प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे तो पतरस ने तलवार के साथ उनमें से एक का कान काट दिया था। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तलवार चलाएगा वह तलवार के साथ ही नाश हो जाएगा। अब जरा सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि जाओ और तलवार मोल ले लो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि यह जरूरी था कि उनके विषय में कहा गया वचन कि वह अपराधियों के साथ गिना जाएगा पूरा हो। इसका मतलब यह है कि जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहले से हुई थी वह खुद उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए लड़ रहे थे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अब जब तक आप तैयारी नहीं करते और लड़ते नहीं हो, तब तक कोई भी भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी नहीं होती। जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने तिमिथियुस से कहा कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। पौलुस ने तिमिथियुस को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको पता था कि कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती, उसके लिए लड़ना और जीतना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर हैं, उन्होंने तलवारें लेने के लिए इसलिए बोला क्योंकि जो भविष्यवाणी उनके विषय में की गई थी वह उसे पूरा करना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कदम उठाया और तलवारें ली। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर हैं, उन्होंने तलवारें लेने के लिए इसलिए बोला क्योंकि जो भविष्यवाणी उनके विषय में की गई थी वह उसे पूरा करना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कदम उठाया और तलवारें ली। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी आपको अनुग्रह देती है कि आप जिस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार सुनाएंगे वह चर्च में होगा। यह आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आपके ऊपर दूसरा अनुग्रह यह है कि आप कोई भी कारोबार शुरू करेंगे वह फलवंत होगा। लेकिन समस्या यह है कि क्या आप उस भविष्यवाणी के लिए लड़ रहे हैं जो आपके विषय में की गई है? प्रभु यीशु मसीह ने इंतजार नहीं किया कि मैं कौन से अपराधियों के संग गिना जाऊंगा, इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ और तलवारें ले लो क्योंकि मेरा अपराधियों के संग गिना जाना अवश्य है। आज आपको परमेश्वर के नाम में आगे आने की और मसीही में अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप कुछ भी पूरा नहीं होता। आमीन, आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें या सुनें उनके जीवन बदलें। यह अपने विषय में की गई भविष्यवाणी पर काम करने वाले बने और आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और अंकुर नरला मिनिस्ट्री के सभी वर्शिप सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं न्यू सॉन्ग्स को सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।